या जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा वो पेशेंट को हम लोग मुफ्त कराएंगे। आज यहाँ पर कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो ये आज फर्स्ट डे है, तो उसके लिए आपका क्या चंद शब्द रहेगा पब्लिक के लिए? इससे मीडिया टीम को सभी को मेरा नमस्कार और वेलकम भी है। इससे पहले मैं एक सब बताना चाहता हूँ, एज पर सर्वे रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में कैंसर पेशेंट हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा है इन अरुणाचल प्रदेश, और HIV में नामसाई डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है। और हर अभी गवर्नमेंट हर एक क्षेत्र में सर्वे लेके रखा है बीमारी का बारे में, तो हमारा इसलिए विद द इनिशिएटिव ऑफ श्याम सिंह एंड अंकल दादा, हम लोग ने उसको देखते हुए दिस इज़ ए पेबैक मिशन टू फॉर अंकल दादा एंड फॉर आस, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सहयोग दे रहा है विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड पर्टिकुलरली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हेल्प ये प्रोग्राम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ में जीरो में कैंप बैठाया जा रहा है। इसमें दो चीज़ है, वन इज अवेयरनेस कैंसर क्यों होता है, कैसे उसको प्रिवेंटिव करना है, वो टेक्निकल पार्ट मैं समझता हूँ डॉक्टर श्याम और अंकुल दादा आपको बताएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट से ये वी आर होस्टिंग द प्रोग्राम विद द सपोर्ट ऑफ ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो कैंसर टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का और बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसको रिकॉर्ड को देखते हुए उन लोग भी उनको भी लगा कि जीरो में जो कि लोअर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उधर क्यों ना ऐसा हेल्प ये स्क्रीनिंग भी है। इसमें मैंने बोला वन इज अवेयरनेस, अनदर इज स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट। तो अभी तक मुझे बताया गया है कि 1000 से नंबर रजिस्टर हो चुका है, इसका स्क्रीनिंग ये दो बांसेस में इक्विपमेंट है, सब दफ्तर उसको जांच कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ये कर रहा है। तो ये टेक्निकल पार्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, उन लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बताएंगे। मेरा ये हम डिस्ट्रिक्ट से खुले दिल से स्वागत किया है और हम लोग कलेक्टिव रेस्पॉन्स उसका एकोमोडेशन पार्ट खान पीन का लॉजिस्टिक सपोर्ट हम लोग दे रहा है, और टेक्निकल पार्ट ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ही बेसिकली है विद द सपोर्ट ऑफ NGOs लाइक अंकल दादा बी बोरा इंस्टीट्यूट एंड टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, ये सब मिल के ये आज यहाँ हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये बहुत देर हो रहा है, बट देन सेइंग गोज बेटर लेट देन नेवर, तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। मैं इतना बोल के समाप्त करना चाहता हूँ एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू अंकल दादा एंड डॉक्टर श्याम सिंह। थैंक यू। जब NEC में एडवाइजर हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके बैठा था उसी समय सारा अरुणाचल नॉर्थ ईस्टर्न को देखा है, कैंसर का केस सबसे ज़्यादा उसी समय मैंने मिजोरम में था, उसके बाद असम में था बोरपेटा में। तो धीरे धीरे देखा तो अभी कैंसर अमंग द वुमेन औरत के बीच में अरुणाचल एक नंबर बन गया देश में। और मैं अभी गुवाहाटी में रहता हूँ एज ए मेडिकल सेक्रेटरी एंड द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्च ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा बहुत नज़दीक है क्योंकि हम उसका मैनेजिंग बोर्ड का मेंबर था। तो देखा तो अरुणाचल का बहुत पेशेंट आता है, सिर्फ वहाँ नहीं दूसरा हॉस्पिटल में आता है खासकर कैंसर के लिए। और देखा तो कैंसर के लिए पप्पूमपारे डिस्ट्रिक्ट मीन्स जीरो से ज़्यादा आदमी देख रहा हूँ।
तो मैंने सोचा कि इतना तक अभी तक कुछ नहीं किया हम लोग, उसमें कुछ तरीका निकालना होगा आदमी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, केस डिटेक्शन करना, ट्रीटमेंट करना। तो इसीलिए मैंने बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात किया, तो बोला सर मैंने जीरो में जन्म लिया था और मैं जीरो में जाने का दिल है, आप लोग कुछ कीजिए। तो हमारा शाम सिंह जो अरुणाचल का कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का सबसे बड़ा हेड है, सो उन्हीं से बात किया, तो वो भी बहुत सही तहे दिल से बहुत वेलकम किया। तो बातचीत करके हम लोग वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा है, वो स्टेट का चीफ कैंसर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और शाम सिंह जनरल सेक्रेटरी है। तो हम लोग तय किया कि उसमें कैंप बिताने से अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ का लू खास करके वुमेन लोगों का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा पता लगाने के लिए तो कैंप बिता के 3 दिन का कैंप वो अपनी बहन लेके आया है। बहन अब देखने से पता चलेगा उसमें आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपी अप टू डेट बहन है, और टीम ऑफ 24 डॉक्टर्स फ्रॉम बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट ईटानगर कैंसर सेल से एंड और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे बेसी भी आया है आएगा। तो आके हम लोग 3 दिन का कैंप बिताए, जाके हम लोग जागृत फैला सके आदमी को कैंसर क्यों होता है, कैसा बचना है और कैसा हम लोग कैंसर इज क्यूरेबल है अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया उसको ट्रीटमेंट देने से अच्छा होगा बोल के। मैंने इसलिए आभारी हूँ हमारा स्टेट हेड ऑफ द कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शाम सिंह से, वो अपना से जिम्मेवारी लेके बहुत तकलीफ किया, और डिस्ट्रिक्ट डीसी भी बहुत तकलीफ किया, खास करके हमारा ये जो मिनिस्टर श्री ताकेताकी साहब ने यही दिल से वो वेलकम किया, बोला ये भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए हम सोचा कि ये अरुणाचल में फर्स्ट टाइम है, ताकि हमारा लोग जाने कि कैंसर भी क्योरेबल है अगर जल्दी से जल्द शुरू में पकड़ लेगा और ट्रीटमेंट करेगा। इसीलिए वो अरुणाचल का फर्स्ट ऐसा बड़ा एक कैंप है। मैं सुबह से देख रहा हूँ तो बहुत आदमी है, कल भी भर्ती था, आज भी भर्ती है, परसों भी भर्ती होगा। तो आपका मीडिया थ्रू मीडिया और भी जानकारी देंगे लोगों को कि कैंसर इज क्योरेबल, लेकिन हम लोग बीच बीच में हम लोग टेस्ट करना चाहिए, खास करके वुमेन लोग, क्योंकि वुमेन का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ये चिंताजनक है क्योंकि हमारा कैंसर होने से बहुत तकलीफ होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, इसीलिए अगर बच सकेगा तो हम लोग के लिए इकोनॉमी भी अच्छा होगा और समाज भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि लोगों को पता नहीं कि कैंसर का सिम्टम क्या होता है, तो उन लोग फर्स्ट स्टेज में पता नहीं कर पा के उन लोग का स्टेज बढ़ जाता है, तो सिम्टम क्या क्या रहता है कैंसर का जब फर्स्ट स्टेज में? कैंसर तो हर बदन का हर हिस्सा में लग सकता है, खास करके वुमेन लोगों का जो कैंसर होता है, कैंसर होता है खास करके आपका जो मल्टीपारा बोलता है, तीन चार तो बच्चा हो गया और 45-50 ईयर्स के एज हो गया, उसमें देखा तो आपका खास करके सिम्टम बता रहा हूँ कि आपका महीना भर जो है इरेगुलर होता है कभी कभी, और उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, हाँ, तो लोग समझ नहीं सकता है कि उसका कैंसर हो रहा है, खास करके ज़्यादा बच्चा जन्म होने से नली में वो सर्विक्स में लग जाता है। तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर होता है खास करके, क्योंकि लोग आजकल खास करके वो लोग बर्थ कंट्रोल का टेबलेट लेता है खास करके, हाँ, एंटी बर्थ कंट्रोल टेबलेट लेता है, नहीं जानता कि उसका साइड इफेक्ट है, तो कभी कभी वो ब्रेस्ट कैंसर में हो जाता है, और ड्यू टू कभी कभी इंजूरी के लिए होता है खास करके। और ये भी होता है कि मिजोरम में देखा तो एक जगह में बहुत औरत लोगों का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, देखा तो उपघर अंदर का उसका घर का ऊपर में हाई पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, रेडिएशन केल भी हो सकता है, बहुत कारण से हो सकता है। तो
खान पान से बहुत जुड़ित है, क्योंकि आपातानी जगह में हम लोग रिसर्च एक लेने के लिए भी बात करेंगे, तो एक रिसर्च करने का हम दिल है, हमारा ये बहुत इंटरेस्टेड है उनका जरिए बाहर से एक्सपर्ट मंगा के हम लोग एक रिसर्च चलाएंगे क्यों ज़्यादा होता है खान पान में और रहन सहन में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलता है। खास करके इसीलिए होता है कि हमारा यहाँ पे एक प्रकार का फेवरेट फूड होता है पिके पिला, हाँ, एंड उसमें ये तो तपरोतू और पिलातू आज सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट है, तो उसी में भी हो सकता है। और स्मोक मीट भी खाता है, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीने से खास करके मिजोरम में जो मेल लोगों में बहुत कैंसर नंबर वन है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीता है, लंग कैंसर होता है, इसोपे का कैंसर होता है, स्टोमक कैंसर होता है, क्योंकि खाने पीने के कारण से ज़्यादा ड्रिंक भी करता है और खाना होना बहुत कम खाता है, इसीलिए भी हो सकता है न्यूट्रिशन का होके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉमन आपका जो इम्यूनो सिस्टम कम्युनिटी का, मेरा ख्याल से आपातानी का कम्युनिटी इम्यूनो सिस्टम इज़ मच लेस कंपेयर टू अदर कम्युनिटी, बिकॉज हम लोगों का खान पीन का खाना पीना का कुछ बहुत मेरा ख्याल से न्यूट्रिशन कमज़ोर है। सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है जीरो से सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट देखने को मिलता है, बाहर भी जो इलाज के लिए जा रहे हैं, तो जो सर से भी हमने बातें की तो उनका सिम्टम भी बताया गया, तो जो ब्रेन कैंसर का जो सिम्टम क्या रहता है, क्योंकि लोगों को जल्दी पता नहीं चलता ब्रेन कैंसर होने के बाद और लास्ट स्टेज में जाके उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो वो ब्रेन कैंसर का सिम्टम क्या रहता है? देखिए, ब्रेन कैंसर यूजुअली थोड़ा रेयर है, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ब्रेन कैंसर अगर किसी को होता है तो यूजुअली आपका गिडीनेस हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हो सकता है। तो ये सब होके अगर कुछ मेडिकेशन वगैरह लेके ठीक नहीं हो रहा है तो फर्दर सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करने से उसमें आराम से आपका डिटेक्ट हो जाता है। तो लेकिन जैसे आज का प्रोग्राम का तहत मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ में आज 5 कैंसर को स्क्रीन कर रहा है, तो जिसमें स्टमक, लीवर, ब्रेस्ट, सर्विक्स और ओरल कैंसर है। तो हमारा स्टेट में आपका जो जीरो है, जो लोअर सुबनसिरी है, इसमें भी स्टमक और लीवर कैंसर बहुत हाई है, जो हमारा डाटा जो अवेलेबल है उसका मुताबिक। तो हमारा ये उद्देश्य था कि एटलीस्ट एक तो एक अवेयरनेस हम करेंगे और साथ साथ में ये स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई पेशेंट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको हम लोग गाइड करके इधर हमारा टर्शियरी कैंसर सेंटर ट्रिम्स में इलाज करेंगे या फिर इवन बी बलवा में भी ये करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये स्टेट कैंसर सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो एक ब्रांच है, एंड देन डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट जो TMC मुंबई का एक ब्रांच है, और दादा साहब का जो NGO है उनका सहयोग से, और हमारा जो ऑनरेबल यहाँ का लोकल MLA कम मंत्री जी है उनका सहयोग से, इज द चीफ पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम, तो उनका सहयोग से ये हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने भी काफ़ी सहयोग दिया है। तो अभी उद्देश्य वही है कि कैंसर को पहले डिटेक्ट करना है, तो अगर आप कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो क्यूरेबल होता है, सबको पता है, और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है वो कल प्रोग्राम होगा। और कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं ये फॉर्मल इनॉग्रेशन के लिए, ये सेंट क्लारेट कॉलेज में जीरो में, तो उसमें एक टेक्निकल सेशन रखा हुआ है, वहाँ का जितना भी, यहाँ का जितना भी CVOs है, NGOs है, वुमेन हेल्थ ग्रुप है, स्टूडेंट्स लोग के लिए, तो उसमें आई थिंक देयर विल बी मोर देन 1000 जो वहाँ में पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो उसमें हम लोग टेक्निकल टॉक्स देंगे कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है और कैसे बचा जा सकता है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स कैसे है, उसमें कम्युनिटी का रोल क्या है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है, वो सब उसमें डिस्कस होगा। स्क्रीनिंग हो रहा है तो उसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने कैंसर पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधा रखा हुआ है, तो हमारा जो ट्रिम्स है हॉस्पिटल जहाँ का मैं इंचार्ज भी हूँ टर्शियरी कैंसर सेंटर का, तो वहाँ में आपका जो
कीमोथेरेपी यूजुअली जो रहता है कैंसर का मेडिसिन वो भी फ्री मिलता है। हाँ, तो सर्जरी पार्ट होगा और रेडिएशन पार्ट होगा या जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा पेशेंट को हम लोग मुफ्त कराएंगे। तो अगर पेशेंट कोई डिटेक्ट हुआ है, सपोज कैंप में डिटेक्ट होता है, तो उसको हम लोग अच्छा से गाइड करके वहाँ आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वो वहाँ बैठने बैठने का तो खुद थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट पार्ट है दैट वी विल टेक केयर। तो ट्रीटमेंट में अगर सपोज यहाँ में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा, दैट वी विल टेक केयर। ठीक है, तो अगर यहाँ में पेशेंट ट्रिम्स में या हमारा जो टर्शियरी कैंसर सेंटर है अगर वहाँ में थोड़ा इशू हो रहा है, कुछ हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड केस है बोलने से, देन गुवाहाटी का टीम इज ऑल्सो देयर, तो उनके साथ फिर टाई अप करके हम वहाँ CMI के थ्रू से या किसी भी स्कीम के थ्रू में पेशेंट को भेज देंगे, तो वहाँ में भी उनका इलाज हो जाएगा। तो जो भी अगर कोई भी पेशेंट कैंप में डिटेक्ट होता है तो उनको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है सर, जैसे कि कल से जो इनरोलमेंट किया जा रहा है तो अब आज कल से लेके अब तक कितना रजिस्टर हुआ? कल 870 आई थिंक रजिस्टर हुआ था। ठीक है, तो आज आई थिंक सेम नंबर अभी क्रॉस हो गया है, 1000 क्रॉस हो गया होगा। तो इसमें अभी तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना भी हो सकता है पॉपुलेशन को या जितना भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आया है। हाँ, तो वी आर इन्फॉर्म दैट कि अभी जो कामले है, कुरुंग में है, जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट लोग आया हुआ है। हम आज मिला भी था सुबह एक दो को, तो सबको, तो हमारा तो कोशिश यही रहता है कि कोई भी ना छूटे, सबको ट्राई करें। अगर बाई चांस जैसे अभी हम लोग 3 दिन का अभी थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग सुबह 8 बजे से लगा हुआ है, 7:30 को हम लोग यहाँ आ गया था, तो 8 बजे से लगा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना खींच सकता है, जितना हम लोग का कैपेसिटी है आज खींचे, फिर कल भी वही सेम 8 बजे से शुरू होगा परसों भी, तो उसमें जितना हो सकता है करेंगे। अगर कोई छूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो ट्रिम्स में आ जाए, हम लोग को कॉन्टैक्ट करें, तो वी विल असिस्ट देम। मेरे टेन, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम कैंसर एवरनेस काम डिटेक्शन का प्रोग्राम बहुत पहले से उन लोग डिसीजन किया है। आई हैव रिसेंटली ज्वाइन इन द लॉस मोसिस डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग का प्लानिंग था लॉन्ग टाइम बैक से, जो कैसा स्क्रीनिंग करना है और डिटेक्शन का कैंप करना है बोल के। आज हम रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्टेट कैंसर हेल्थ सोसाइटी एंड कोलाबोरेशन विथ बीबी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। उन लोग यहाँ सारा टीम आके कैसा स्क्रीनिंग कर रहा है, और इंटायर मेरा मेडिकल टीम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कोई जबो लेके उसका टीम यहाँ में पूरा इन्वॉल्व है। तो कल से परसों से वो लोग काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में से शुरू करके, आज भी मेरा टीम हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा इन्वॉल्व है, यहाँ में पूरा लगा हुआ है, वो लोग काम कर रहा है। सो आई हैव नथिंग टू से मच, आई हैव वन रिक्वेस्ट, ये डिटेक्शन और आपका ये स्क्रीनिंग का प्रोग्राम यहाँ में है, कल मेरा प्रोग्राम होगा, अब ऑनरेबल मिनिस्टर इज ऑन द वे, और कल वो इनोग्रेल फंक्शन के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर टेक्सर और हम अला लेवल सर हेल्थ मिनिस्टर वो आ रहा है। कल हम एक रिक्वेस्ट है पब्लिक से, जो जो कैंसर का बारे में कौन जानने के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे क्यों कैंसर हुआ है, किस तरफ से हम लोग कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, बिफोर डिटेक्टिंग और बिफोर सफरिंग, तो वो जानकारी कल हम लोग का वहाँ में सेंट्रल कॉलेज में हम लोग का 9 बजे से शुरू करेगा। आप लोग पब्लिक से एक मेरे रिक्वेस्ट है, तो वहाँ में आके आप लोग थोड़ा सुनने से अच्छा होगा, जैसे आप लोग का नॉलेज के लिए कैंसर क्यों होता है, किस लिए होता है, प्रिवेंशन कैसा करना है बोल के, ये कल हम लोग का कल वहाँ में मीटिंग में बोलेगा। आज यहाँ में डिटेक्शन, आज भी एक क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ में डिटेक्शन हुआ तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, ट्रीटमेंट फ्री होगा ना क्या होगा? यस, दिस डेज बीबी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट और इंपेनल हॉस्पिटल और चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम का एक है, यूनिवर्सल नहीं, चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना, उसका अंडर है स्कीम में ये कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट है, किडनी का डायलिसिस फ्री है। यहाँ में हम लोग जानता हॉस्पिटल में नहीं होता है, लेकिन इंपेनल हॉस्पिटल में होता है, इससे तो गवर्नमेंट ने इंपेनल कर दिया है। बीबी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी का भी इंपेनल है, वहाँ में फ्री ऑफ कोर्स, यहाँ में अगर डिटेक्ट हुआ तो वहाँ में उन लोग पेशेंट को रिफर करेगा अकॉर्डिंगली क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी चाहिए ना केमोथेरेपी चाहिए, उसका मुताबिक उन लोग फ्री करा देगा। विद दिस प्योर, थैंक यू।